और केंद्र सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश लाने के मामले को लेकर किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। शिव कुमार शर्मा ने कहा कि नए कृषि अध्यादेश के लागू होने के बाद आने वाले समय में किसान अपने ही खेत में मजदूर की भूमिका में आ जाएगा। अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर किसान नेता ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नया कृषि अध्यादेश लेकर आ रही है, जिससे किसान आने वाले समय में अपने ही खेतों में मजदूरी करता हुआ दिखाई देगा। एक देश एक कृषि बाजार का हवाला देते हुए कहा कि इस अध्यादेश के जरिए देश भर में प्राइवेट मीडिया थोक के भाव खुलेंगी और इन मंडियों में विवाद होने पर फरियादी कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश का हवाला देते हुए कहा कि इस अध्यादेश के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से लीज पर जमीन लेकर कृषि कर सकती हैं। ये तीन अध्यादेश के बाद में इस देश का किसान नहीं बचेगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तीनों अध्यादेश के खिलाफ और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी चौहान लेकर आए हैं मॉडल एक्ट और लैंड बिल, ये पांच कानून पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इसका पूरे प्रदेश में किसानों को इस पर अवेयर करने के लिए एक अभियान, किसान मजदूर जागरण अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। पन्ना में पुलिस